साल 2006 में रूस में एक जासूस अलेक्जेंडर लितविनको को चाय में जहर देकर मार दिया गया। 2015 में जर्नलिस्ट कारा मुर्जा को जहर दिया गया। साल 2018 में एक एक्टिविस्ट पियोत्र वर्जिलोव को भी पॉइजन दिया गया। और इन तीनों मामलों में कॉमन बात थी कि ये तीनों पुतिन के विरोधी थे। अब हम पुतिन के जिस राजदार की सन करने वाले हकीकत आपको बताने जा रहे हैं, उसे भी जहर दिया गया, लेकिन यहां पर वो बच गया। इस शख्स की सांसें इतनी कीमती हैं कि इस शख्स की सेहत बिगड़ने पर ही अमेरिका ने रूस को डायरेक्ट धमकी दी है। कौन है ये शख्स जो खांसता भी है तो पुतिन को कोसने वालों की जमात इकट्ठा हो जाती है? आखिर कौन है ये शख्स जिसे पेंटागन को वॉर की प्लानिंग करने पर मजबूर कर दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। यही है वो पुतिन का विभीषण जो युद्ध कराएगा भीषण। जी हाँ, हथकड़ियों में जकड़े हुए इस इंसान से दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर पुतिन भी खौफ खाते हैं। नाम है एलेक्सी नवेलनी। रूस के अंदर खाने से खबर आई कि नवेलनी की जान जा सकती है। नवेलनी के डॉक्टर्स ने भी बोला कि अब नवेलनी चंद दिनों के मेहमान है। ये खबर जब अमेरिका पहुंची तो व्हाइट हाउस तक हिल गया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि अगर नवेलनी को कुछ हुआ तो इसकी कीमत रूस को चुकानी पड़ेगी। तो क्या अमेरिका रूस पर हमला करने वाला है या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA नवेलनी को अमेरिका लाने के लिए किसी सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रही है? इन तमाम चीजों को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि नवेलनी कहां पर है, किस हालत पे है और उसकी जान पर खतरा क्यों बना हुआ है। मॉस्को से 100 किलोमीटर पूर्व में एक इलाका है पोरकोव। यहीं पर एक जेल में एलेक्सी नवेलनी को रखा गया है। जेल में मेडिकल फैसिलिटी से नाराज नवेलनी ने अपनी पर्सनल मेडिकल टीम की मांग की थी, जिससे पुतिन ने ठुकरा दिया। इसके बाद 31 मार्च से नवेलनी ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। कई हफ्ते से नवेलनी ने कुछ नहीं खाया। उनका ब्लड सैंपल लेने वाली टीम का दावा है कि नवेलनी को किडनी फेल होने और हार्ट अटैक का खतरा बन गया है। अब ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट नवेलनी की 20 साल की बेटी डेरिया का है। डेरिया इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। डेरिया लिखती है कि उनके पिता के पास डॉक्टर को भेजा जाए। आखिर नवेलनी को इतनी सारी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? किस जुर्म की सजा उन्हें मिल रही है? और आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति पुतिन से उनकी दुश्मनी किस बात को लेकर है? इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको 2011 में झांकना होगा। तारीख 4 दिसंबर 2011, जगह मॉस्को। रूस में पार्लियामेंट्री इलेक्शन का नतीजा आया। व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने 49% वोट के साथ चुनाव में बाजी मार ली। लेकिन एक गुट ऐसा भी था जिसने चुनाव में धांधली को लेकर हल्ला बोल दिया। 6000 की भीड़ मॉस्को में जुटी और पुतिन के खिलाफ नारे लगने लगे। इस 6000 की भीड़ में चेहरा एलेक्सी नवेलनी का भी था। 5 दिसंबर 2011 को नवेलनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शन करने के जुर्म में 15 दिन की जेल हुई। इसके बाद तो नवेलनी ने पुतिन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। देखते ही देखते वो रूस के सबसे पॉपुलर विपक्षी लीडर बन गए। नवेलनी के बढ़ते खत से पुतिन असहज होने लगे थे। 17 जुलाई 2013 को नवेलनी ने मॉस्को के मेयर पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अगले ही दिन यानी 18 जुलाई को उन्हें कथित धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद नवेलनी ने चुनाव लड़ने के लिए रूस की जनता से फंडिंग की अपील की। चुनाव से पहले नवेलनी को $2.91 मिलियन का चंदा मिला। इतनी बड़ी फंडिंग रूस की पब्लिक ने पहले किसी के लिए नहीं की। 13 दिसंबर 2016 को 2018 में होने वाले चुनावों के लिए नवेलनी ने दावा ठोका। उन्होंने पुतिन के खिलाफ हर मंच से करप्शन को लेकर आवाज उठाई। ये कहा कि पुतिन के खिलाफ तमाम करप्शन के सबूत उनके पास हैं। ये तमाम आरोप पुतिन को लगातार परेशान कर रहे थे और इसी के बाद पुतिन ने एक बड़ी चाल चल दी। दिसंबर 2017 में रूस के इलेक्शन कमीशन ने नवेलनी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। नवेलनी के समर्थकों का आरोप था कि यह सब पुतिन के आदेश पर किया गया है। इस बीच नवेलनी दर्जनों बार जेल गए और जब भी वो जेल से निकलते पुतिन के 20 अगस्त 2020 को एक हवाई यात्रा के दौरान नवेलनी बेहोश हो गए। उन्हें चाय में जहर दिया गया था। ये जहर नवेलनी को किसने दिया, किसके ऑर्डर पर नवेलनी को मारने की कोशिश हुई, यह आप खुद नवेलनी से सुनिए। जर्मनी में इलाज कराकर जनवरी में नवेलनी मॉस्को लौटे और एयरपोर्ट से ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। नवेलनी की रिहाई को लेकर पूरे रूस में आंदोलन चल पड़ा। कोरोना वायरस के खतरे को भुलाकर और -50 डिग्री के तापमान में हड्डियां गलाकर लोग प्रोटेस्ट करने लगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।